थैंक यू उमा जी, थैंक यू जनार्दन जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक मेडिकल डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाए और एक भारतीय संस्कृति में गीत डांस इसका सम्मानित करने का क्या प्रश्न है आजकल। यस, देयर इज अ साइंस बिहाइंड म्यूजिक। दो शब्दों में बोलना चाहूंगा, जब भी शरीर में चोट लगती है तो जो आवाज निकलती है वो स्वर है, आ ई ओ ए आउच। स्वर हम सब जानते हैं, संस्कृत के जो स्वर है वो शॉर्ट स्वर है और लॉन्ग स्वर है। आ ई ओ शॉर्ट स्वर है, आ ई ए ओ ये लॉन्ग स्वर है। जब भी हम ओ बोलेंगे तो मुंह खुलेगा आ, और जब मुंह खुलेगा तो मेरे शरीर में दे आर वाइब्रेटरी, दे आर साकोश। सो व्हेन दे आर वाइब्रेटरी दे वाइब्रेट माय वोकल कॉर्ड्स, दे वाइब्रेट माय सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। और साथ में अगर मुझे व्यंजन को जोड़ना है तो मेरे पास पांच व्यंजन है, मेरे पास गटरल्स हैं, मेरे पास सेरेब्रल्स हैं, मेरे पास में डेंटल्स हैं, और उसके अंदर में जो पहला व्यंजन का है और आखिरी व्यंजन माँ है, और जो मेरी नेजल कंसोनेंट है माना गाना। याद रखिए, जब भी बच्चा रोता है और आपको रोना लगता है जो साउंड निकलती है वो नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन में देखिए माँ, रोने की आवाज में माना गाना निकलता है। चोट लगती है तो स्वर, क्योंकि स्वर से मेरे शरीर में इंटरलीकिन टू पैदा होता है जो एस्पिरिन से 200 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। और जब भी मेरा मन रोने का करता है जो आवाज निकलेगी मां मां गाना, इससे मेरे शरीर में कांपोज जैसे पदार्थ पैदा होते हैं। यानी कि मैं एक स्वर और एक नासिक व्यंजन लू तो मेरे शरीर में तन और मन दोनों शांत होंगे। इसलिए ओम वर्ड ओ से एस्पिरिन, मां से कांपोज, ये एक मेडिकल वर्ड है। इसको चाहे आप इसको हिंदुइज्म से मानो, चाहे आप इसको क्योंकि इस्लाम में लेके चलो वहां पर भी आमीन आमाना एमाना ओम सारे साउंड जितने भी बीज मंत्र हैं वो मेरे मन और तन दोनों को शांत करते हैं। तो म्यूजिक डांस जितने भी हमारे म्यूजिक के हमारे जो भी गाने होते हैं कहीं ना कहीं चाहे सदम को लेके चले कहीं ना कहीं मेरे शरीर में केमिकल्स प्रोड्यूस करके मेरे मन और तन को शांत करने के लिए सिंपैथेटिक से पैरासिंपैथेटिक मोड की तरफ चले जाते हैं। ये मैं कहना